तो आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लूपिंग। लूपिंग के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि लूपिंग का यूज क्या होता है। लूप का यूज होता है एक ही कोड को कई बार रन करना है, उस केस में हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां पे सब्जेक्ट दे दिया कोई, मान लीजिए कि मैंने एक छोटा सा यहाँ पे स्कोर कार्ड दिया हुआ है कि नेम, सिटी और अमाउंट, राइट, और पुणे, दिल्ली, एक छोटा सा स्टिकर मैंने यहां पे बनाया। राइट, अब मुझे क्या होता है कि स्टिकर को जब मुझे प्रिंट करना होता है तो मुझे कॉपी बनाना पड़ता है कि 5 कॉपी या 10 कॉपी, तो मुझे इसको कॉपी करके इसके नीचे इसको पेस्ट करना पड़ता है। 5 है तो मुझे 5 बार पेस्ट करना होता है, समझे? तो चलिए सबसे पहले हम कॉपी की बात करते हैं। अब यहां पे मेरा एरिया फिक्स है A1 से लेके C16, तो मैं लिखूंगा रेंज यहां पे A1 से C16 डॉट यहां पे कॉपी। अगर आपका एरिया फिक्स नहीं है तो आप सिलेक्शन मेथड जो कि मैंने आपकी लास्ट क्लास लास्ट टू लास्ट क्लासेस में बताई है वो इसका उस मेथड का अपनी डेटा के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे पेस्ट करना है, पेस्ट करने से पहले कर्सर मुझे यहां लाना पड़ेगा तब पेस्ट करूंगा। तो उसके लिए अगर दो तरीके हैं पेस्ट करने का, एक तो है कि रेंज A 65000 क्यों कर रहे हैं पता है आपको, एंड एक्स लेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट सिलेक्ट, और पेस्ट जो होता है वो सीट का पार्ट होता है, यहां पे लिखना पड़ेगा एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। ठीक है, एक्टिव शीट होगा, शीट्स नहीं होगा, डॉट पेस्ट। इस मेथड को भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप यहां पे अब 2 लाइन हो जाता है कोड आपका, तो 1 लाइन बचाने के लिए आप यहां पे पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल में पेस्ट ऑल का, पेस्ट ऑल के अलावा भी यहाँ पे जो पेस्ट स्पेशल के टॉपिक होते हैं वो सारे यहाँ पे उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, तो फिर आपको एक्टिव शीट डॉट पेस्ट डालने की जरूरत नहीं है। तो ये तो कोड हो गया कि भाई पेस्ट करेगा, मैं इसको अगर रन कर दिया यहाँ पे माइक्रो लिस्ट में जाके, रन कर दिया तो सिर्फ इसने 1 बार पेस्ट किया है। क्या बस 1 बार पेस्ट किया है, लेकिन मुझे इसमें 2 कर दीजिए, 1 की जगह पे यहां मुझे 2 करना पड़ेगा, तो एक एक एक्स्ट्रा कॉलम वो छोड़ेगा, यहां पे एक एक्स्ट्रा कॉलम नहीं छोड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा कॉलम छोड़ने के लिए हमें इस पे पेस्ट करना पड़ेगा, एक कॉलम छोड़ा एक ही बार, मुझे इसको 5 बार चाहिए। तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं यहां पे कॉपी किया और इसको 5 बार लिख दिया, इसी कोड को मैंने 5 बार लिख दिया, 4 बार लिख दिया, जितना बार लिखा आप देखेंगे उतना बार इसने पेस्ट कर दिया। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि 500 बार लिखना है तो आपको अपने कोड को 500 बार रिपीट करना पड़ेगा क्या? तो कोडिंग को ऑटोमेट करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं कि मुझे इस कोड को 5 बार रन करना है ये दोनों लाइन को, तो यहां पे लिखूंगा फोर आई इक्वल टू चले 1, 2, 5 और मैं यहां पे नेक्स्ट आई कर दिया। नेक्स्ट आई क्यों कहता है, क्योंकि अगर नेक्स्ट आई नहीं होगा इसमें तो पता नहीं चलेगा किस किस को करना है, क्योंकि आप अगर कोडिंग करते हैं तो उसमें कुछ ही पार्ट को रिपीट करना होता है ना,
जैसे मान लीजिए सीट को आपने ऐड किया, हर सीट का नाम अलग अलग देना है, तो सीट ऐड करने के लूप में तो नहीं रखोगे, क्योंकि सीट तो एक बार 10 ऐड हो गया, अगर लूप में रख दोगे तो 10 बार फिर उसको ऐड करेगा। तो ये भी डिसाइड करना होता है कि कौन से कोड को लूप में रखना है और कौन से कोड को लूप में नहीं रखना है। तो जिस कोड को लूप से नहीं रखना है वो नेक्स्ट से फोर से पहले या फिर नेक्स्ट के बाद होगा अपने पोजीशन के हिसाब से। तो इस कोड को ये 5 बार रन करेगा। रन किया 5 बार, तो लूप का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? शैला जी, विकास जी, तानवी जी, समझ में आया? सर ये जो नेक्स्ट आई के बाद में जो भी लगाएंगे तो वो सेकंड लूप अगर हम चलाना चाहे तो सेकंड लूप चल सकता है? हाँ सकेल सकेल, आप जितना मर्जी उतना लूप लगा दे, जरूरी नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक लूप खत्म शुरू हुआ तो खत्म होगा, फिर दूसरा लूप स्टार्ट होगा, या फिर अगर नेस्टेड लूप लगा रहे हैं तो फिर इसी के अंदर होगा। तो हम पढ़ाएंगे आपको, फिलहाल मोटिव ऑफ लूप समझिए। लूप का मोटिव क्या है? कोड को तो सर नेक्स्ट आई के बाद में नहीं चलेगा क्या? नेक्स्ट आई के बाद में जो भी कोड लिखा हो रन नहीं करेगा, वो चलेगा लेकिन लूप से बाहर होगा, वो 5 बार रन नहीं करेगा, वो एक ही बार रन होगा, ठीक है ना? जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया मैचेस बॉक्स MSG बॉक्स, और यहाँ पे दे दिया कि कॉपी कंप्लीट। तो ये मैचेस बॉक्स सिर्फ एक बार आपको आएगा, क्यों? क्योंकि लूप से बाहर है। लेकिन अगर मैं इसी कोड को अगर नेक्स्ट के अंदर में डाल दिया, यहां डाल दिया, तो फिर वो 5 बार मुझे दिखेगा, समझ गए? तो ये 5 बार दिखाना तो है नहीं, कॉपी कंप्लीट का मैसेज कब देना, जब कॉपी कंप्लीट हो जाए तो दिखाना है। तो इसके ऊपर डिसाइड करना होता है। तो लूप का मोटिव समझ गए क्या होता है? सला जी, लूप का मोटिव क्या होता है? रिपीटेशन सला जी, लूप का मोटिव क्या होता है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही है। हाँ जी, रिपीट जो हम लोग को कॉपी पेस्ट कंटिन्यू करना है उसके लिए लूप यूज होता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कहिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर तो ऐसे बोलिए, हमें जो भी लाइन ऑफ कोड को रिपीटेड करना होता है उसको लूप के अंदर रखते हैं, मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिपीट करना होता है तो उसके लिए लूप इस्तेमाल। कॉपी पेस्ट तो सिर्फ कॉपी पेस्ट के लिए नहीं होता है, लूप हर चीज के लिए होता है। जो भी उसके अंदर में लाइन ऑफ कोड होंगे उसको रिपीट करेगा, जितना बार बोलेगा उतना बार। अब लूप की प्रॉपर्टी को समझिए, हमारे पास दो लूप होते हैं, फोर लूप एंड डू लूप। फोर लूप के पहला होता है फोर आई, मतलब कि फोर इंटीजर, उसमें आपको स्टार्ट एंड फॉर्म देना होता है, जैसे कि हमने लिख दिया 1 to 50 ऐसे कुछ देना होता है, या 50 to 100 ऐसे एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पोजीशन देना होता है कि लूप कहां से स्टार्ट हो और कहां पे खत्म हो। तो ये इस्तेमाल इसका लिए करते हैं। दूसरा इसमें होता है फोर इच। फोर इच का इस्तेमाल होता है कि अगर मान लीजिए इसमें इच होता है फोर इच का इस्तेमाल करने का रीजन ये होता है कि मुझे ये नहीं पता है कि कितना बार लूप रन करना है। हमें पता है कि भाई जितना एरिया सिलेक्टेड है इसमें जितने सेल है उतना बार रन करें, आपके फाइल में जितने शीट्स है उतना बार रन करें, समझे ना? तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जितना बार काउंट काउंट में आता है उतना बार हमारे लूप के अंदर रिपीटेशन होगी। तो फोर इच का इस्तेमाल होता है कि जितने, जैसे आपने बोला कि मुझे 500 लोगों को इनवाइट करना है, तो आपके पास ये होगा कि 1 to 500 लोगों को इनवाइट करना है। दूसरा है क्या बोलोगे आप कि जितने हमारे रिश्तेदार है सारे को इन्वाइट करना है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ना स्टार्टिंग है ना एंडिंग है, जितने रिश्तेदार हुए उनको इनवाइट करना है। तो उसकी क्वांटिटी, रिपीटेशन क्वांटिटी डिपेंड किस पे करती है? आपके रिश्तेदार। सेम उसी तरह से फोर इसका इस्तेमाल होता है आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के। अब बात करते हैं डू लूप की। तो डू लूप के अंदर में एक होता है हमारा वाइल और एक होता है अंटिल।
तो डू लूप जैसे कि अब इसमें भी कंडीशन है ना आपके, मतलब कि फॉर ईच में भी ऑब्जेक्ट काउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर चलता है। डू लूप का इस्तेमाल होता है कंडीशंस पे, जैसे कि हमने बोल दिया कि भाई इस कॉलम में जब तक ब्लैंक सेल मिलता रहा तब तक चलो, जैसे ब्लैंक सेल मिलना बंद हो जाए रुक जाओ, समझे ना। एक फोल्डर में अगर 100 जितने फाइल मिल है, जैसे फाइल जितने फाइल मिल रहे हैं तब तक चले। अगर आपने इंटरनेट से कनेक्ट किया तो जब तक इंटरनेट रेडी नहीं हो जाता है पेज तब तक एक्सेल को इंतजार करा है। तो ऐसे जो कंडीशन होते हैं जिसकी टाइमिंग काउंटिंग फिक्स नहीं होती है, एक पहले प्रोसेस पे डिपेंड होता है कि पहला प्रोसेस खत्म हो तो दूसरा प्रोसेस चले। जैसे कि आपने इनपुट बॉक्स दिया, जब तक इनपुट बॉक्स में डेटा फीड ना हो तब तक वो आगे ना प्रोसेस करे, तब तो वो इनपुट बॉक्स को देता ही रहे, तो डू वाइल का इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब लूप के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, हम पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर आई लूप के बारे में। इसके एक दो एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है 7 सीट इंसर्ट कर रखे हैं। हमारा कोड ये करना है कि जितने भी सीट्स हैं सबका नाम नंबर से देना है कि 1, 2 डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3 डेटा 4 डेटा 5 करना, सबको रिनेम करना। इसलिए क्या कोड चलेगा देखिए, तो यहां पे हम सब्जेक्ट देते हैं आर आर 1 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और लूप लगाएंगे यहां पे फोर आई इक्वल टू चले 1, 2। अब नंबर ऑफ शीट 7 है तो आप यहां पे 7 लिख सकते हो, बट दिस इज ये तो डायनेमिक नहीं हुआ कि 7 सीट तक ही चलेगा, 60 से कम हुआ तो एरर देगा, 60 से ज्यादा हुआ तो बाकी सीट को रीड नहीं करेगा। तो यहां पे इसको ऑटोमेट किया जा सकता है फॉर्मूले से, इसमें दे दिया सीट डॉट काउंट, जितना सीट है उतना बार चलो, फिर नेक्स्ट आई दे दिया। अब इसके बीच में कोडिंग करेगी कि सीट्स आई डॉट नेम इक्वल टू डेटा, इसके साथ हमने आई दे दिया। अब हमने आई क्यों दिया, आखिर आई है क्या? तो जैसे कि यहाँ पे आई है तो हम आई नहीं कर सकते, इसपे ए टू जे ए बी सी डी एक्स वाई जेड नाम हम कुछ भी दे सकते, दैट वेरिएबल। जैसे कि हमने एक्स वाई जेड लिया था प्रीवियस क्लासेस में, एम डी वाई लिया था, तो उस तरह की चीजें यहां हम दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये लूप का काउंटर है कि लूप को अगर मान लीजिए 7 बार चलना है तो लूप को कौन कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई 7 बार ही चलना है, समझे? लूप को 7 बार ही चलना है, एक कैसे पता चलेगा, ये आई बताएगा। अब इसको इसको समझने के लिए आप जो है ना यहां डिबग पे स्टेप इन्फो कीजिए, इसका शॉर्टकट होता है F8। अभी देखिए i यहां पे क्या है, i इक्वल टू 1, तो सीट में 1 हुआ तो पहले पोजीशन में सीट पे चला गया और डेटा के साथ i हुआ इसका नाम डेटा 1 पड़ गया। देखिए डेटा 1 हो गया। अब जैसे ही नेक्स्ट क्या करेगा, चेक करेगा, नेक्स्ट चेक करेगा कि क्या a ग्रेटर देन सीट काउंट है, अगर है तो ये लूप को खत्म कर देगा, नहीं है तो वापस 4 को भेजेगा। वापस 4 को भेजा, 4 क्या किया, आई में एक इंक्रीज करके आई को आई का जो वैल्यू है 2 कर दिया। अब यहां पे सीट 2 और डेटा 2, तो यहां पे देखिए आपका डेटा 2 रिपीट हो गया। और फिर नेक्स्ट चेक करेगा कि क्या आई इज ग्रेटर देन 7 जो सीट काउंट है, नहीं है तो फिर ये वापस लूप को फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड किया, लूप ने क्या किया, काउंट बढ़ाया, तीसरा बार लूप चल रहा है तो 3 कर दिया। अब यहां पे आई 3 दिया तो सीट 3 पे जाएगा और डेटा 3 नाम दे देगा। फिर आई चेक करेगा और इसी पोजीशन को चेक किया आई ने, इसको नेक्स्ट चेक करेगा फिर भेजेगा। अब देखिए 4 हो गया, फिर गया 5 हो गया, फिर 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है।
और वापस अब एफेक्ट करेंगे तो देखिए बाहर आ गया, क्यों? क्योंकि एट कमांड, आई कमांड एट हो गया और एट इज ग्रेटर देन सेवन, क्योंकि सात तक ही चल रहा था इसलिए इसने लूप से बाहर कर दिया। समझ में आया सर? सला जी, विकास जी, समझ में आया? और जी जी समझ में, जसपाल जी वेरी मच। तो इसे इस्तेमाल करते हैं। अब जा बंद हो गया है। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए सब्जेक्ट मान लीजिए कि मुझे इसमें सीरियल नंबर देना है एक से लेकर हंड्रेड तक, तो मैंने यहां पे लिखा कि फोर आई इक्वल टू पहले वन टू हंड्रेड और फिर हमें लिखा रेंज ए के साथ कंबाइन होगा आई डॉट वैल्यू इक्वल टू आई और फिर यहां पे नेक्स्ट आई। क्या अब इसको हम लर्न रन करेंगे, देखिए हंड्रेड तक का सीरियल नंबर इसने लिख दिया। यहां पे ए कॉलम हमारा फिक्स है तो हमने यहां पे ए के साथ आई को कंबाइन कर दिया, अदरवाइज मुझे लेना होता यहां पे सेल्स आई वन, इस तरह से भी हम लिख सकते थे लेकिन जरूरी नहीं है। इसका यूज कब करते हैं? जब नेस्टेड लूप होता है, हमारे पास कॉलन भी डायनेमिक होता है वन टू थ्री फोर में, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लूप इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर देखिए एक्सेल में दो ही चीज, डीवीए में दो चीज सबसे मेन है, पहला है आपका लूपिंग और दूसरा है कंडीशंस। अगर दो चीज हटा दिया जाए तो फिर वीवीए उतना यूजफुल या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उतना यूजफुल नहीं रह जाएगा, समझे? इन दो चीज पे अभी देखिए अकबर जी ने गलती कर दिया था, लूप उन्होंने लूप अधूरा उनको ज्ञान था वो गलती कर गया जिसके कारण से तीन दिन से वो परेशान थे। क्या अकबर जी बोल रहे हैं? तो लूप का जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अभी आप क्या करें, फोर लूप के मुझे दस एग्जांपल बना के दें। सर हेलो, बोलिए सर, ये जो ए एंड आई डॉट वैल्यू इक्वल टू आई है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर? एक कंबाइन किया मैंने विकास जी, ए के साथ कंबाइन होगा तो ए वन बन जाएगा ना, कंबाइन होने के बाद ए वन बन जाएगा, ए टू बन जाएगा, ए थ्री बन जाएगा, क्योंकि कॉलम हमारा फिक्स है, रो फिक्स नहीं है, तो रो हमारा ए वन आई से ले रहा है, क्योंकि आई जब पहला बार चलेगा तो वन होगा, दूसरा बार टू होगा, तीसरा बार थ्री होगा, जैसे जैसे आई अपना इंक्रीज करेगा वैसे से ये क्या लास्ट में इक्वल टू आई, हाँ सीरियल नंबर डालना है ना, मैं यहाँ पे वन टू थ्री डालना है ना, तो आई पे वन टू थ्री जा रहा है ना, इसलिए वो आई इक्वल टू आई किया हमने। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए ना, आप 10-12 एग्जांपल बनाइए, आपको खुद बखुद समझ में आएगा, फिर मैं लूप के साथ कंडीशन लाऊंगा, फिर हम नेस्टेड लूप की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कंडीशन अगला टॉपिक आपका कंडीशन है, तो कंडीशन समझने के लिए आपको लूपिंग को अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, इसलिए लूप पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मैं आपको कंडीशन पढ़ाऊंगा, समझे? जब कंडीशन समझ में आ जाएगा फिर आप हम नेस्टेड लूप और एडवांस लूप की तरफ चलेंगे। इसको करके मुझे फटाफट भेजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे।
और जरूर कीजिएगा सर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा प्लीज। अगर आपको आता है ना फिर भी दीवन बड़ा कीजिएगा, क्योंकि आने के बाद भी आप गलतियां करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय, गुड नाइट। Thank you.